अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम करने लगे हैं अगला टॉपिक इन पीड्स सीवीएस, विच इज कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। अगेन इसमें से भी इसी तरह से ऐसी क्यों आते हैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि तो सिनेरियो मैं आपको बता देती हूँ, आगे जरा सा हम देख लेते हैं। एडल्ट्स जैसे जैसे होते तकरीबन वैसे ही है कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। या फिर पहले हम बात करें हाली कार्डिक फेलियर या हार्ट फेलियर क्या होता है, तो हम तब हमेशा नाम से पता चले कि हार्ट फेल हो रहा है। हार्ट फेल होने से मुराद ये है कि अब हमारा हार्ट का काम क्या है कि उसने ब्लड को पंप करना है सारी बॉडी में, और उस ब्लड का काम है कि उसने हमारी पूरी बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स को पूरा करना है। तो वेन एवर हार्ट इज इन अ स्टेट इन विच कार्डिक आउटपुट इज नॉट एफिशियंट या इज नॉट सफिशियंट टू फुलफिल द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ बॉडी, ठीक है, जब मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ बॉडी पूरी नहीं हो सकती, हार्ट की कार्डिक आउटपुट इतनी नहीं है, हार्ट इतना ब्लड नहीं पंप कर रहा, तो हम कहते हैं कि हार्ट इज गोइंग इन फेलियर, ठीक है। तो कार्डिक फेलियर के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें से जो हम पढ़ने लगे दैट इज कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। कंजेशन क्या होती है, किसी भी जगह पर जब आप कहते हैं कि कंजेशन हो जाती है, इसका मतलब है कि वो जगह भर जाती है और वहां पर जगह नहीं रहती, या फिर वहां पर आप समझ लें कि कंजेशन इज अ वर्ड जो तंगी के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर होता है, इसका मतलब होता है कि हार्ट पे लोड इतना ज्यादा बढ़ गया कि हार्ट इज नॉट एबल, टोटली नॉट एबल टू पुश अगेंस्ट दैट लोड, और वो लोड अब जब पुश नहीं हो पा रहा तो वो हार्ट को सारे को डायलेट कर रहा है और हार्ट जब फेलियर में जा रहा है। तो कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर बेसिकली तभी होता है जब हार्ट पे लोड बहुत ज्यादा पड़ चुका होता है। अगर इसकी थोड़ी सी हम बात करें कि आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि कार्डिक आउटपुट मेजर की जाती है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट से, ये फॉर्मूला होता है कार्डिक आउटपुट का, जिसका मतलब ये होता है कि ये दो चीजों पर डिपेंड करिए, अगर हमारा हार्ट रेट ज्यादा हो जाए यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा हो जाए, या स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो आप जिस वॉल्यूम को हार्ट ने ब्लड जिस वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप करना है, अगर वो ज्यादा हो जाए दोनों सिलसिलों में कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। अब आपको बताए अभी हमने बहुत सारी कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस पढ़ी और सारी हार्ट डिजीजेस में हमने देखा होगा रिजल्टेंटली क्या हो रहा होता है, हार्ट पे लोड ज्यादा पड़ रहा होता है। जैसे हमने जो सिंपल तरीके की बात करते हैं वेंट्रिकल रिसेप्टल डिफेक्ट ही देख लें, उसमें क्या हो रहा होता है कि लेफ्ट से राइट शंट हो रहा होता है ब्लड। जब लेफ्ट से राइट शंट होता है तो राइट साइड ऑफ द हार्ट पे बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है ब्लड का, उसको सबसे पहले तो जाहिर है हार्ट कॉम्पेंसेट करता है। कॉम्पेंसेट करने के दो तीन तरीके होते हैं। एकदम से जब हार्ट पे लोड ज्यादा पड़ता है तो सबसे पहले जो बॉडी उसको कॉम्पेंसेट करती है वो किस तरह करती है, बाय द रिलीज ऑफ कैटेकोलामीन। ये सबसे पहला एक्शन होता है हमारी बॉडी का। कैटेकोलामीन है आपके एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन, ये जब भी रिलीज होंगे इनका एक्शन है कि ये हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, विच इज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। ये बातें भूलनी है, ये पुरानी बातें आपकी फिजियोलॉजी में पड़ी थी, ठीक है। तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है जब हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज होती है, और उसके साथ साथ यही कैटेकोलामीन्स नंबर ऑफ टाइम्स जो हार्ट ने बीट करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिसको हम कहते हैं कि हार्ट रेट, वो भी इंक्रीज करते हैं, विच इज पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। तो दोनों चीजें इंक्रीज होती है तो हार्ट किसी हद तक उस एक्सेसिव लोड को बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब आपको पता है कि किसी जगह पर एक्सेसिव लोड रहता है तो हमने जिस तरह पढ़ा हुआ है कि वो जगह आहिस्ता आहिस्ता खुद को हाइपरट्रोफी कर देती है, तो ये वाली वॉल आपकी आहिस्ता आहिस्ता हाइपरट्रोफी होती जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, और वो इसीलिए होती है कि वो जो एक्सेस लोड उसके पास आ रहा है उसको बर्दाश्त करे और उसको बाहर फेंक सके। तो दूसरी चीज होगी हाइपरट्रोफी। अब ये चीजें जाहिर है एक हद तक चलेंगी ना, मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि सारी जिंदगी बंदा इन्हीं के साथ चलता रहे। वीएसडी मुस्तकिल इधर ही है वेंट्रिकुलर सेपरेटल डिफेक्ट, और हमने यही पढ़ा था कि जब छोटा वीएसडी होता है तो इन कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म के साथ बंदा सारी जिंदगी भी चलता रहता है, उसे कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब वीएसडी बड़ा है, डिफेक्ट बड़ा है, तो लोड इधर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बच्चा एज में ग्रो करेगा उसकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, उसकी ग्रोथ के लिए हमें मजीद ब्लड सप्लाई की, मजीद ऑक्सीजन की जरूरत होगी, या फिर वो एक्टिविटी जब परफॉर्म करेगा फिजिकल एक्टिविटी के दौरान ज्यादा जरूरत होती है इस तरह हार्ट की पंपिंग की और ब्लड की पूरी बॉडी को, उस टाइम पे फिर हार्ट इस इन चीजों के बावजूद भी इस लोड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, लोड बढ़ता जा रहा होता है। उसके बाद फिर अगला मैकेनिज्म क्या होता है कि हार्ट ऐसा ऐसा डायलेट करने लग जाता है, ठीक है, पहले दो हुए थे उसके बाद भी नहीं सही हो रहा तो फिर डायलेट हो जाता है, फिर चैम्बर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब चैम्बर की शक्ल क्या होगी कि पहले वो सिर्फ हाइपरट्रोफी हुआ था और कैटेकोलामीन्स आए थे, अब जब शक्ल बनेगी तो वो ऐसे करके बन जाएगी, ठीक है, हाइपरट्रोफी भी हुआ है और इधर से डायलेट भी हो गया। इसको हम कहते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और इस टाइम पे अगर डायलेट होने के बाद वो इतना कार्डिक आउटपुट मेंटेन कर ले कि वो बॉडी की नीड्स को पूरा कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कि योर हार्ट इज इन कॉम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर। कॉम्पेंसेटेड का मतलब है कि कॉम्पेंसेटेड, ठीक है, कॉम्पेंसेटेड का मतलब ये है कि आपका हार्ट के अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं रहा, लेकिन बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स वो इस काबिल कम से कम हो गए कि वो आपकी बॉडी की जो ब्लड की रिक्वायरमेंट्स थी, जितना खून पूरी बॉडी को पंप करने
पंप हो के हार्ट से चाहिए था टू फुलफिल देयर नीड्स, वो पूरा हो रहा है. तो अब बच्चे का हार्ट होगा कॉम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में. और ये कॉम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर हमारे लिए एक लाइन होती है जहां पर हमने मॉनिटरिंग रखनी होती है, जहां हमने देखना होता है, क्योंकि ये कॉम्पेंसेटेड कभी भी डीकॉम्पेंसेटेड में चला जाता है. वो कब जाता है? अब आपके पास कैटेकोलामीन्स भी रिलीज हो चुके हैं, एक बॉडी का मैकेनिज्म खत्म हो चुका है, हार्ट ने जितनी हाइपरट्रॉफी करनी थी वो भी कर चुका है, अब वो और भी नहीं कर सकता, और जितनी डायलेशन वो मैक्सिमम कर सकता था ताकि वो उस लोड को बर्दाश्त कर सके, वो डायलेट भी हो चुका है. अब भी अगर इसके बावजूद भी उस पर प्रेशर पड़ता रहेगा और उसकी ये सारी चीजों के बावजूद वो उस लोड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद डायलेट होगा और कार्डिक आउटपुट अब डिक्रीज की तरफ आएगी. पहले कार्डिक आउटपुट मेंटेन थी या इंक्रीज की तरफ जाती थी, अब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज की तरफ आएगी. और अब जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होती जाएगी तो जाहिर है इनफ ब्लड पंप नहीं होगा कि पूरी बॉडी की नीड्स पूरी हो, बच्चे को सिम्टम्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे, डिक्रीज ऑक्सीजनेशन इन द बॉडी की, क्या वो रेस्टलेस होगा, इरिटेबल होगा, उसको पुअर फीडिंग होगी, इजी फटिगेबिलिटी हो जाएगी, बहुत शरीर वीकनेस है, फेलियर टू थ्राइव है, जो नॉर्मल सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं, और हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा, साइनोसिस होने लग जाता है उसको, ठीक है, टैकीकार्डिया, ये सब कुछ होता है. तो क्योंकि अब हार्ट डायलेट कर रहा है और उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं कि वो बॉडी की नीड्स को पूरा करे, इस टाइम पे अब हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो एंटर हो गया, या कोई भी बंदा एंटर हो चुका है डीकॉम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में, जो कि अब कॉम्पेंसेट नहीं किया जा सकता बॉडी की अपनी चीजों से, क्योंकि बॉडी की अपनी चीजें पहले उसको कर रही थी, अब नहीं कर सकती. और अब ये बच्चा अगर इसको ट्रीट ना किया गया तो ये डेफिनेटली टूवर्ड्स एंड चला जाएगा हार्ट डीकॉम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में. इसके साथ आप देखें क्या हो रहा है कि अब हार्ट के चैम्बर्स डायलेट कर गए हैं, हार्ट के चैम्बर्स डायलेट कर गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके पास यहां पर आगे सारा लोड बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है. यहां से अब जब हार्ट में पीछे से ब्लड आएगा, अगर सपोज कहते हैं राइट साइड का ही हम बात करें, तो राइट चैम्बर अगर डायलेटेड है, पीछे से ब्लड कहां से आता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन से सारी आता है ब्लड टूवर्ड्स राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल बेचारा ऑलरेडी डायलेटेड है, उसके अंदर पहले ब्लड पड़ा हुआ है, क्योंकि वो ब्लड को बाहर नहीं भेज सक रहा था क्योंकि उसकी ताकत खत्म हो चुकी है. तो पूरी बॉडी से जो ब्लड इधर आएगा वो आगे देखेगा कि आगे तो मेरे पास मेरे आने के लिए जगह ही नहीं है, आगे तो पहले ब्लड पड़ा हुआ है. क्या होगा कि पीछे की तरफ प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, तो जब पीछे की तरफ प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपकी बॉडी में सिस्टेमिक एडिमा डेवलप होना शुरू हो जाएगा, सूजन होगी, स्वेलिंग होगी, जगह जगह बॉडी में फ्लूइड कलेक्शन शुरू हो जाएगी, क्योंकि आगे की तरफ ब्लड नहीं जा पा रहा. और अगर यही चीज आपकी होगी लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हार्ट अगर फेलियर में जाएगा तो लेफ्ट हार्ट से बैक प्रेशर किस पे पड़ेगा? सबसे पहले लंग्स पे पड़ेगा, लंग्स में डेवलप होगा पल्मोनरी एडिमा, उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा के साथ साथ लंग्स में डेवलप हो जाएगी पल्मोनरी हाइपरटेंशन. तो दो मसले होंगे, पल्मोनरी एडिमा की वजह से बच्चे के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का सांस इंक्रीज होगा, बच्चा सांस सही नहीं ले पाएगा, उसको बहुत ज्यादा टैकीपनिया होगा, वो सांस लेते हुए मुश्किल से महसूस होगी. उसके साथ जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी वो रिजल्टेंटली आपका इफेक्ट करेगी, लेफ्ट से लंग्स पे इफेक्ट आया था, लंग्स की पल्मोनरी हाइपरटेंशन से इफेक्ट आएगा राइट वेंट्रिकल पे, तो रिजल्टेंटली राइट वेंट्रिकल भी फेलियर में जाएगा. तो अगर आपका राइट साइड फेल होती है हार्ट की तो उसकी वजह से सिस्टेमिक एडिमा होता है, लेकिन जो लेफ्ट साइड फेल होती है तो शुरू में पल्मोनरी एडिमा होता है, लेकिन आखिरकार आपका सिस्टेमिक एडिमा डेवलप हो जाता है जब सेकेंडरीली राइट हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है. तो ये सारा सिलसिला था, वैसे मैंने आपको बता दी थोड़ी सी, ताकि ये सारी बातें तो आपको हर जगह पर मेडिसिन सर्जरी वगैरह आनी ही चाहिए. अच्छा, अब आपके पास ये होगा कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर की सारी हमने बात करी, कॉजेज क्या होते हैं इसके, ये लिखे हुए इनसे आपसे पूछते हैं कि फीटस में होगा तो हो जाता है, इनसेवियर एनीमिया की वजह से हो जाता है, या हार्ट ब्लॉक जिन बच्चों में कंजेंटल एबनॉर्मलिटीज होती है, न्यूनेट्स में आपकी वो तकरीबन सारी डिजीज आ जाती है जो कंजेंटल एनोमलीज है, जैसे वीएसडी है आपका, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट अगर सवेयर होगा, फ्लूइड ओवरलोड हो जाए, पीडीए पेडेंटिस आर्टेरियोसिस, फिर अगर कोई मायोकार्डाइटिस हो गया, कोई एस्फिक्सिया हो गया बच्चे को, कोई उसको ऐसी स्टेट है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की है, तो वो सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो हार्ट पे इफेक्ट कर रही होती है और वो हार्ट फेलियर कर देती है. इसकी डिटेल में वैसे नहीं जा रही कि इसका कोई फायदा नहीं है, आपको ये बातें समझ भी हैं और आपसे कोई इतनी ज्यादा पूछता भी नहीं. चिल्ड्रन में इसी तरह रूमेटिक फीवर कर सकता है हार्ट फेलियर, क्योंकि उसमें हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है. अगेन कोई भी आपकी जो मायोपैथीज है हार्ट की, जो आपकी कार्डिक मायोपैथीज होती है जिसमें वायरल मायोकार्डाइटिस हो जाता है, या फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, या कंस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, वो सबकी सब तो हार्ट फेलियर कर ही सकती है, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. अच्छा, देन आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स. तो क्लिनिकल फीचर्स में तीन चीजें तो हमेशा आपने याद रखनी, एक तो आपकी सबसे पहले मैंने क्या कहा, हार्ट डायलेट हो जाता है आखिर में, तो इसका मतलब है कि कार्डियोमेगैली आपको मिलेगी, क्योंकि डीकॉम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर तभी होता है जब कार्डियोमेगैली हो चुकी होती है तब तक. दूसरी क्या चीज थी कि पीछे लंग्स में प्रेशर पड़ रहा था, लंग्स में प्रेशर की वजह से बच्चे को सांस लेते हुए मसला होता, तो टैकीपनिया था, उसका रेस्पिरेटरी रेट तेज हो जाता है. और तीसरी चीज, जब आपका राइट साइड ऑफ हार्ट इन्वॉल्व थी तो पीछे की तरफ सिस्टेमिक एडिमा होता है, जो राइट साइड ऑफ हार्ट से सबसे पहले चीज जो इफेक्ट पड़ता है ना जिसपे, वो लिवर होता है, क्योंकि आपको पता है कि लिवर से हेपेटिक वेन आती है और वो आपके इन्फीरियर वेना कैवा में बहुत सारा ब्लड ड्रेन करती है. तो जब पीछे की तरफ प्रेशर पड़ेगा तो सबसे पहले लिवर पे पड़ेगा, तो लिवर रिजल्टेंटली इनलार्ज हो जाएगा और हेपेटोमेगैली हो जाएगी, ठीक है.
तो ये तीन चीजें तो आपने क्लिनिकल याद रखना है कि कार्डियोमायोपैथी जब किडनी एंड डायबिटीज के लिए जिसका सिनेरियो आता है ना वो हमेशा इतना ही आता है, ऐसे ही आता है कि आपके पास एक बच्चा है जो फेलियर टू थ्राइव है, मां कहती है दो तीन दिन से कुछ खा नहीं रहा, बहुत इरिटेबल है, रो रहा है, एक्सेसिव स्वेटिंग है, वीक है बच्चा, और आपने चेक किया तो उसकी हार्ट साउंड्स नॉर्मल है, कार्डियोमेगैली है एंड हेपेटोमेगैली आपको मिली है। अब इससे साफ साफ पता चले कि डेफिनेटली वो बच्चा हार्ट फेलियर में जा रहा है। कभी एक बार वो आपको साथ बता देते हैं वीएसडी के साइंस भी, वो आपसे कहते हैं कि देर वॉज अ पैनसिस्टोलिक मर्मर इन द लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, जो कि आपको पता है वीएसडी का मर्मर होता है, और साथ कह देते हैं हेपेटोमेगैली। अब जब आपको हेपेटोमेगैली बताते हैं तो आपने ये बात याद रखनी है कि इसका मतलब है कि बच्चा हार्ट फेलियर में जा चुका है, सीसीएफ बच्चे हो चुका है, तो फिर आपने डायग्नोसिस लिखना होता है वीएसडी लीडिंग टू सीसीएफ, ठीक है, या आप लिखेंगे सीसीएफ सेकेंडरी टू वीएसडी अगर उनने पैनसिस्टोलिक मर्मर बताया है, और अगर उन्हें मर्मर नहीं बताया तो फिर आप खाली लिखेंगे सीसीएफ है बच्चा। हेपेटोमेगैली का मतलब ये है कि बच्चा सीसीएफ में है, ठीक है, दैट्स इट। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, एक्सरे चेस्ट पे आप देखेंगे आपको हार्ट साइज बड़ा नजर आएगा, और पल्मोनरी वेसल्स डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे है, हो सकता है मैंने आपको जिस तरह बताया था कि जब पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट में पल्मोनरी एडिमा, सॉरी लंग्स में पल्मोनरी एडिमा होता है वो भी नजर आ सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से आपको वेसल्स भी ज्यादा नजर आ सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है, लेकिन हार्ट का साइज तो हमेशा बड़ा होगा। ईसीजी जो है आपकी वो आपकी वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को शो करेगी, एंड के साइंस मतलब ईसीजी में चेंजेस आएंगी, जिस तरह वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के आते हैं वही बातें डिपेंड करते हैं कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी थी या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी थी, उस हिसाब से चेंजेस आ जाएंगी। उसके साथ आपकी जो थोड़ी सी एस लीड्स में चेंजेस होती है, एसटीटी सेगमेंट चेंजेस, वो भी आती है हार्ट फेलियर से रिलेटेड, मतलब उसकी डिटेल में जाने की कोई खास जरूरत नहीं है। इकोकार्डियोग्राफी जब आप करेंगे तो इससे आपको बिल्कुल सही से पता चल जाएगा कि वेंट्रिकुलर फंक्शन कैसा है, वाल्व्स कैसे हैं, और कहां पर प्रॉब्लम थी, मतलब कोई वीएसडी था है क्या, तो वो आपको नजर आ जाएगा। एबीजी इसके जरिए से पता चलता है कि बच्चा कितना हाइपोक्सिया में है, क्योंकि डेफिनेटली अगर पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो चुका है तो बच्चा हाइपोक्सिया में होगा, उसके साथ साथ कार्डिक आउटपुट भी नहीं है तो बच्चा हाइपोक्सिया में होगा, तो वो पता चलता है। और उसके साथ आपको पता है कि जब आपका प्रोलॉन्ग बहुत लंबे टाइम के लिए हाइपोक्सिया रहता है तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाता है, क्योंकि एनरोबिक रेस्पिरेशन होती है, लैक्टिक एसिड बनता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है। अगर लंग्स के लेवल पे डीकॉम्पेंसेशन होगी तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज हो सकती है, तो वो बातें आपको इस पे पता चल जाएंगी। अब इस बच्चे की मैनेजमेंट इस तरह से होती है कि आपने सबसे पहले जनरल मैनेजमेंट करनी होती है कि बच्चे को ज्यादातर बेड रेस्ट पे रखना होता है, क्योंकि जाहिर है वो एक्टिविटी करने के काबिल नहीं है। पोजीशन में ये कहते हैं कि वीनस रिट्रेंट जिस पोजीशन में कम हो उसमें रखें, क्योंकि हार्ट पे पहले ही लोड ज्यादा है तो वीनस रिट्रेंट को हम ज्यादा नहीं कर सकते, तो बच्चे को हम कहते हैं कि वो लेटे तो 20 से 30 डिग्री के एंगल पे लेटे। उस टाइम पे क्या होता है, जब वो बच्चा ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके लेटता है ना, बिल्कुल सीधा नहीं लेटता, तो जो वेन के वाल्व्स हैं वो थोड़े बेटर वर्क करते हैं और वीनस रिट्रेंट कम हो जाती है, तो इस वजह से हम वो करवाने के लिए पोजीशन में कहते हैं। फीडिंग की हम कहते हैं कि बहुत ध्यान रखिए और अच्छा खाए पिए, क्योंकि बच्चा पहले ही कैलोरिक इनटेक में अच्छा नहीं होता, उसकी ऑक्सीजन भी पूरी नहीं हो रही होती, तो अगर खाए पिएगा भी नहीं तो बहुत मैलनरिश हो जाएगा, तो उसके खाने पीने का ख्याल रखना है, और अगर नहीं खा सकता तो एनजी ट्यूब डालते हैं। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन ताकि एडिमा ज्यादा ना हो, जितना सॉल्ट ज्यादा होगा बॉडी में उतना ही फ्लूइड भी कलेक्ट होता रहेगा। अगर हॉस्पिटल में है तो उसकी वाइटल्स मॉनिटरिंग, इनपुट आउटपुट की मॉनिटरिंग, कितना वो खा रहा है और कितना उसका यूरिन आउटपुट और सब कुछ है। जरूरत है तो ऑक्सीजन थेरेपी 4 से 6 लीटर्स पर मिनट देनी है, और फ्लूइड्स डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट करने, क्योंकि बॉडी में पहले ही ओवरलोड है फ्लूइड का और एडिमा डेवलप हो रहा है। एंटीबायोटिक्स देनी है अगर उसको इन्फेक्शन है। हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, पोटेशियम और पीएच को मेंटेन रखना है, क्योंकि कैल्शियम और पोटेशियम की चेंजेस जो वो है वैल्यूज वो आगे पीछे होंगी तो दे कैन कॉज सडन हार्ट कार्डिक फेलियर एंड डेथ। अब आपकी जो स्पेसिफिक मैनेजमेंट है वो आ जाती है कि कॉज के हिसाब से। अगर आपका बच्चा एनीमिया के साथ है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, और जो इसके साथ बहुत जरूरी बात है कि आपने डायरेटिक्स देने हैं, फ्यूरोसेमाइड देते हैं आप, उसकी वजह ये होती है कि आप जो एक्सेसिव वॉल्यूम ओवरलोड हुआ होता है उसको ट्रीट करते हैं, तो फ्यूरोसेमाइड की जो डोज है वो 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी पर डोज में आप देते हैं उसको, एक लोडिंग डोज 1 to 2 मिलीग्राम, और फिर 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे का आप मेंटेनेंस दे देते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। और दूसरी ड्रग होती है स्पायरोनोलैक्टोन, उसकी डोज बेशक याद रखना, एक ही याद रखें 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी पर डोज की, आप पहले एक दफा डायरेक्ट डाल देते हैं वेन में और फिर मेंटेनेंस होती है 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे। डाइजॉक्सिन जो है ना आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है हार्ट फेलियर के हिसाब से। डाइजॉक्सिन क्या करती है, बेसिकली इसका जो भी अंदर मैकेनिज्म है वो तो मैं रिपीट नहीं करी कि किस तरह कैल्शियम के रिसेप्टर्स को मैनिपुलेट और सब कुछ करती है, जो बाहर इसका इफेक्ट आता है डाइजॉक्सिन का ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है, और उसकी वजह से हार्ट जब अच्छा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो वॉल्यूम उसके अंदर एक्युमुलेटेड है वो निकल जाएगा और बच्चा जो है वो आपका बेहतर हो जाएगा। तो डाइजॉक्सिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस जो आपने देनी होती है कि आपकी जो डिजिटलाइजेशन उसको हम कहते हैं डाइजॉक्सिन के देने को, हाफ डोज आपने फॉरन दे देनी होती है इनिशियली जो टोटल डोज है उसकी, ठीक है, और बाकी जो डोज है उसको आपने क्या करना होता है कि दो हिस्सों में डिवाइड करना है, मतलब आधी आपने भी दे दी ना और बाकी आधी आपके पास रहेगी, इस आधी को आपने करना होता है 1/4 एक तरफ और 1/4 एक तरफ, और 12-12 घंटे के फासले से आपने देनी है, एक अभी देनी है और एक 12 घंटे बाद देनी है, उसको आप लिखते हैं Q 12 आवर, ठीक है, इसका मतलब होता है 12 आवर्ली एक ड्रग देनी होती है।
तो ये डाइजॉक्सिन का तरीका होता है। इसकी डोजेस ना बुक में आपकी लिखी हुई है कि प्री मेच्योर बच्चों में आप देंगे 20 माइक्रोग्राम पर केजी, जो आपके होते हैं मेच्योर बच्चे टर्म पे पैदा होते हैं उनमें आप देते हैं ऑलमोस्ट 20 से 30 माइक्रोग्राम पर केजी। उसके बाद जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें आप 40 तक ले जाते हैं। एडल्ट्स में इसकी डोज डिफरेंट है, तो डोज को आपने बस डिवाइड करना है, याद रखने के आधी फॉरन और बाकी आधी को दो हिस्सों में डिवाइड करना है और 12 घंटे के फासले से दोनों डोजेस देनी है, ठीक है। इसकी टॉक्सिसिटी भी कुछ होती है, कोई पूछता तो है नहीं लेकिन फिर भी देख लीजिएगा अगर आप चाहें तो। और अगर आपके डाइजॉक्सिन खाली फर्क नहीं डाली तो फिर आप देते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स जिसमें डोपामिन एंड डोब्यूटामिन है। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी कोई मसला के नाश में। थैंक यू।